तो जी प्यारे बहन भाइयों, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म और अरे जो है वो लग चुके हैं। और मेनू पता कि दुनिया नू ए गवारा नहीं हो सकता, पर झूठ कहंदे ने प्यार के प्यार दोबारा नहीं हो सकता, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता। मैनू पता कि दुनिया नू ए गवारा नहीं हो सकता, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता। तो जी प्यारे बहन भाइयों, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म और अरे जो है वो लग चुके हैं और मिस्त्री साहब जो है वो कंटिन्यू हो चुके हैं और मजदूर भी सब टेंशन मेंशन सर, इसको बड़ी मजबूती से बनाना है, बेहतरीन बनाना है। यहाँ की मिट्टी जो है वो रेतली है तो उसका भी खास ख्याल रखना है, तो इसको ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद है अल्लाह पाक से नेक औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक से शिफा दे, जो रिज़्क रोज़ी की तंगी में है अल्लाह पाक से हक हिला रिज़्क कमाने की तौफीक दे और उसके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन या सुमा आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ जो है सुबह का व्लॉग हो गया हमारा शुरू, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जाना कहीं नहीं है, रहना है हमारे साथ। तो देखने वाले सुनने वाले चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, और उनके लिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। हाँ जी, जिन्होंने पहले से कर दिया सब्सक्राइब उनका तहे दिल से मैं करती हूँ शुक्रिया अदा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे प्यारे से क्यूट से बेबी से हैं बहन भाई, क्योंकि बहुत सारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, सब लोग जो हैं हमसे मोहब्बत करने वाले हैं और तहे दिल से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी उसे बहुत सारा प्यार देते हैं और उनके लिए ढेर सारी दुआएं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारा सुबह का व्लॉग हो गया शुरू, तो आप आज जो है आपको ज़बरदस्त वीडियो मिलेगी, तो रहना है हमारे साथ। मौसम देखें बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सूरज इधर से आने वाला है, ये है हमारा विलेज का माहौल। तो ये जो है हमारे आ गए थे टीयर और गार्डर, ये वो तो जो उस कमरे से उतारे से वहाँ वाले ये वो पड़े हैं, और ये आए थे न्यू, और इधर जो है हमारे मकान की जो है आयरे जो होते हैं उसकी खुदाई हो चुकी है। ये किकर हमने काटा था, मुआयदीन ने कल इसको काटा तो मुकम्मल नहीं कर सके, तो अभी आएंगे तो इसको काट के फाइनल कर देंगे। फिर मिस्त्री भाई भी आ जाएंगे, उनका भी सुबह सुबह का टाइम होता है, काम हो जाता है शुरू। तो अभी जो है मैं जल्दी से ना बर्तन धो के बर्तन जो है उनकी धुलाई कर दी है, और चाय जो है ऊपर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, और जो है सवेरा वो लोग गूंद रही है आटा, तो जल्दी से खाना रेडी कर लें। जब मेरे तमाम बहन भाइयों को पता है जिसी के यहाँ काम हो रहा होता है तो वो मतलब बहुत ही मसरूफ़ होता है, उसको टाइम भी नहीं होता, तो सारा दिन जो है खाने पकाने में लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना जिसी का नसीब होता है उतनी खाता है ना, नो टेंशन बिल्ला तकल्लुफ। तो खाना करते हैं रेडी, तो अभी जो है 6 बज रहे हैं, फिर मिस्त्री भाई आ जाएंगे, फिर अपना काम करेंगे शुरू। मैं आ गई हूँ साहिबा वाले किचन में, तो ये रहा है हमारा पुराना सिलेंडर, ये ना नीचे से सुराख निकल गया, ये ख़त्म हो गया है, और रात ना बड़ी परेशानी बनी मेरे लिए खाने बनाने के लिए, क्योंकि सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो गैस यानी कि
कल सिलेंडर परसों सिलेंडर भरवा के आया मौजम अली, फिर जो है गया सिलेंडर को हो गया सुराख, वो लीक हो गया, ज़ाया हो गया। सारे सहन में तो सामान बिखरा पड़ा था, कहीं आग जलाने का आग जलाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। ऊपर से शाम का टाइम था, लकड़ियां भी गीली थी, तो बहुत बहुत मुझे परेशानी हुई। अब क्या करें, खाना भी बनाना है। तो फिर मैं चली गई अकरम भाई के यहाँ, उन्होंने जब अपना खाना रेडी कर लिया तो फिर मगरब के बाद जो है मैंने अपना खाना पीना शुरू किया है। सालन बनाया और रोटी बनाई, चाय बनाई। सुबह के मुखल चले गए खानपुर, कुछ काम था, तो फिर मैंने उसको ना कॉल की कि सिलेंडर लेके आना और भरवा के भी ले आना। घर में जो है ना कुछ भी नहीं है पकाने खाने के लिए, यानी कि कोई सहूलत जो है अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी गुजारा कर लें, फिर जहाँ कहीं जब मैं आऊँगा ना फिर लेके आऊँगा। तो वो बहुत लेट पहुँचे, उन्होंने ये वाला सिलेंडर लिया है न्यू, ये पुराना वो पड़ा है, न्यू ये सिलेंडर लेकर आए और गैस भी भरवा कर ले आए। लेकिन इसका मसला एक है, वो नहीं जा रहा। वो देखें ये इधर से जो है ना, इधर भी आग लग जाती है और इस जगह पे भी आग लग जाती है। तो ऊपर जो है हल्का सा जल रहा है, वो देखें दोनों साइडों में जो है ना आग लगी हुई है। ये परेशान करके रख दिया इन्होंने मुझे, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, अल्लाह पाक खैर करे। तो ऊपर जो है चाय भी चढ़ा दी है, साथ में जो है आटा भी गूंदा जा रहा है। बर्तन वगैरह सब जो है हमारे यहाँ पड़े हैं किचन में। ये देखें अभी जा रहे हैं पापी लेने, पापी लेके फिर चाय बन चुकी है, चाय खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। सच्चाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चेक करो, करो वीडियो स्क्रैप कर करना। तो मेरे शुरू चलते हैं की तरफ। तो अब मैं पापी लेने जा रहा हूँ, पापी लेके फिर दिखाता हूँ। ये रही दादी अम्मा, दादी अम्मा ये एक थैली पापे की। अच्छा पापे की थैली। हाँ जी। तो जी अभी मैंने पापे की थैली ले लिया है, अभी जा रहा हूँ घर, घर जाके फिर दिखाता हूँ, दिखाता हूँ फिर अभी चलेंगे। तो वहाँ पे ये हमारी रेत भी आई हुई है, कल जो हम आपको दिखाया था वो घर बन रहा है ना, उसके लिए प्लास्टर के लिए और ये बजरी भी रखी हुई है। अभी जा रहे हैं अंदर, अंदर जाके फिर अम्मी को देते हैं। अम्मी ये बैठी है, ये रहे जैनब और अम्मी, ये ले ले आए। हाँ जी साफ सुथरे है ना। हाँ जी आज आपके स्कूल की छुट्टी है ना। हाँ जी मैं सोच रही थी पता नहीं आज छुट्टी है कि स्कूल जाना है, पता नहीं क्या करना है। चलो ठीक। वो जो कह रहे थे वो आत्वार पता बुध वाले दिन वो छुट्टी है। किस चीज की? वो टीचर ने कहा है वो है ना शबे बारात के शबे मेराज वाला वो बरात है। हाँ वही। चलो आपकी चाय भी आ चुकी है, आप बैठ जाएं। वो वहीं पे रख दे, मैं यहाँ पे जाएंगे। हाँ जी ठीक जी। नंबरदार जो है ये किक्कर जो कल काटा था गुलाम भाई और दीन ने, तो ये जो है इसके उठा के ना वो उधर फुट रहा है। लेकिन क्या मुश्किल आते हैं, माखी आ गई है, शहद की मक्खी बैठी हुई उड़ रही है जी उसके डर से, फिर वो जाके बैठ गया है। हाँ और ये जी तोड़ दिया था, तो यहाँ पे जो है
नए मकान के एरे जो हैं वो लग रहे हैं, काम को जो है लगे हुए हैं। दो दो जनाब। हाँ भाई, कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह माशाल्लाह, तबीयत सही है? चिक्को चिक्को काम को वाल। हाँ, मैं ज़रा ये किक्कर हटाता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ। हैं तो कांटे लेकिन करना पड़ेगा, करते हैं इसका बंदोबस्त। आ जा भी नीचे आ जा। ये जो कल का किक्कर काटा हुआ है ना, ये अभी तक जो है इसको हटा रहे हैं, क्योंकि कल शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो अभी सुबह जो है इसको ना हटा रहे हैं। ये साइड पे करेंगे तो मकान का जो है काम स्टार्ट होगा। तो नंबरदार जल्दी करो। हेलो दिलबर सोना मक्खन। हाँ टुका लगाओ पतले को। हाँ गुड गुड गुड, चल। हाँ रखना है। ये क्या किया, डर गया है, डरा दिया है। अरे जो हैं जी लगाए जा चुके हैं और ईंटें जो हैं वो तराई की जा चुकी हैं, बच्चे ने जो है तराई कर दी है। और यहाँ पे जो है अभी क्या करने वाले हैं, तो तौफीक यहाँ पे क्या करने वाले हो? यहाँ पे पेड़ बना रहे हो, किस चीज़ के लिए? मिसाले के लिए। गुड हो गया। तो तहर जो है वहाँ पे लगा हुआ है काम को, और उस्ताद जी जो हैं वो भी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं, गपशप कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा गपशप का टाइम ख़त्म होने वाला है। हाँ जी, जो ही मिसाला बनता है फिर उस्ताद जी जो है अपने काम को जो शुरू स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कल का सामान हमने मंगवा लिया था, ठीक है जी, मुकम्मल एरे का, मुकम्मल कमरे का। तो अभी से जो भाई स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपकी दुआओं से ऐसे मकान जैसे वो खड़ा है उससे भी ऊपर चला जाएगा, ऐसे ना? हाइट इसकी ज़्यादा होगी और उसकी जो है आपको, जो न्यू बैन भाई आते हैं ना, उनका पता नहीं होता भाई ये क्या कह रहे हैं, तो रोज़ाना ये बात दोहराई जा सकती है, कोई मसला नहीं है, ताकि हर नए आने वाले बहन भाई जो हैं उनको भी समझ लग सके भाई क्या हो रहा है। इसको हाइट करना है ऊँचा, ये अभी जो नया बना रहे हैं इसका हाइट करना है ऊँचा, और वो जो खड़ा है फिर इसके बराबर उसकी हाइट भी करनी है, ठीक है? तो उसकी भी हाँ जी, छत का लेवल एक हो जाएगा। तो इधर साथ में 7 फुट की जो एक गैलरी है, ये दोनों मकानों के साथ ऐसे, वो उधर से जहाँ से हमारा बन रहा है प्लाट, उधर से मतलब मकान से ऐसे, ये मकान है ना, ये 7 फुट 7.5 फुट जगह है, यहाँ पे हम गैलरी ले आएंगे, दोनों मकानों के ऊपर गैलरी ले आएंगे, छत बंद कर देंगे, तो मकान हो जाएंगे हमारे सेफ। तो आगे ये जो है फिर ये बच जाएगा सहन वगैरह, और कमरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर कमरे जो हैं वो बनाएंगे तो फिर कमरे के ऊपर फिर कमरा बनाएंगे, ठीक हो गया जी? तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो उस्ताद जैसे काम स्टार्ट करते हैं फिर वो भी आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी यहाँ पे जो है नंबरदार ने गैस सिलेंडर जो न्यू लेके आया हूँ रात को वो उठा लिया है, तो इसमें मसला क्या है तो वो बता सकती हैं मैडम खुद। हाँ जी, इसमें क्या मसला है? सच बताऊँ, सिलेंडर और गैस ये हमारे नसीब में है ही नहीं। हमारे से पैसे उड़ा रहे हैं, न्यू लेकर आए हैं फिर भी उसको मसला हो गया। नीचे ना इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से आग निकलती है, ये प्लेट इधर दिखा ना, ये भी लगाते हैं ना इधर, तो फिर भी वो क्या कहते हैं इसको अच्छी तरह से कस के ना फिर भी आग आ जाती है नीचे। ये देखे सिलेंडर इधर भी जल चुका है और इसमें भी आग लग जाती है, और साथ में इस साइड पे इधर से। ये न्यू है ना, फिर इधर प्लेट को या प्लेट चेंज करेंगे उसको दिखाओ, न्यू सेट कर देगा ना। न्यू वाचल डाली थी वो भी जल चुकी है। अच्छा, एक ही रात में। अभी मैंने कहा कि ले जाओ वो कारीगर के पास, उसको ये इंसाद लेकर जाने ना, ये ना होता इसको, जैसे मैंने आपको सुबह बताया ना, जाते ही पहले ना इसको ऑन करके आग जला के इसको थोड़ा सा खोल खोल के ना
फिर उसको दिखाना, आग जहीं जहाँ जहाँ लग जाती है वो सब देख लेगा। इसके अंदर भी वाछल डालवानी है, ठीक है? ठीक है। इधर भी आग लगती है और इस साइड पे इसको ना मुकम्मल देख के आग बंद कर दो इसको, ठीक है ना? उसको कहना है आग ना निकले उधर, ये ला दो प्लेट, नहीं लगे तो फिर ये चेंज करो और जो उसको सही न्यू लगे वो ही लगवा दे। ये भी न्यू है, उनसे लेकर आए। बस ठीक है, कर लेगा जाके। हाँ, ये बनवा कर ले आओ, फिर ना दोपहर का खाना बनाना लेट हो जाता है। हाँ तो टाइम कितना हो गया है? 11:30 अभी सब्जी भी नहीं ली है। सब्जी वाला आया नहीं? आया भी नहीं है। किधर चला गया आज? पता नहीं किधर चला गया। एक दिन आता है और दो दिन वो छुट्टी करता है, पता नहीं ज्यादा कमा लेता है, पता नहीं क्या बात है। क्या पता कोई मजबूरी होगी। नहीं, सब लोगों का पेट्रोल जो है ना वो नाक पे लड़ा हुआ है। पेट्रोल के हाई रेट हो गए, 300 पे तो समझो पहुंच गया है। महंगाई है, सारा दिन पेट्रोल जलता है रक्षे में ना, सब्जी बिके ना बिके वो तो आ जाता है सारा। तो सिलेंडर सेट करवा के आओगे फिर सब्जी लेने जाओगे जो अभी लेने लेके आओगे? हाँ भैया का मोटरसाइकिल से ले लेना, सब्जी भी ले आना और ये गैस भी सेट करवा के आना, ठीक है? दो पैसे पैसे भी लेके जाओगे? पैसे थोड़ा पैसों के बगैर काम नहीं हो सकते। ये तो हो जाएगा। नहीं नहीं, पैसों के बगैर वैसे काम हो सकते हैं और नहीं? हाँ तो ये बात कॉन्फिडेंस पैदा करो भी, कहो ना पैसे के बगैर कैसे करूं भाई, ऐसे बोलो। हाँ पैसों के बगैर कोई काम होता है? हाँ जी, तो ये बात है। वो आपको पैसे बोल रहा है, आप मोबाइल देख रही हैं। हाँ पैसे भी देती हूँ। दो बार बता चुके अब तीसरी बार बोलोगे तो फिर पैसे मिलेंगे। दो बार बोल चुके अब तीसरी बार बोलो जी। पैसे दे दी। हाँ जी तीसरी बार हो गया, आप तो दे दो। अब इसके पैसे बनते हैं ना। दे दो ये तो पैसों की सब साफ जरा काम हो रहा है, पैसों की कमी होती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। मनी हाथ में एलर्जी होती जब पैसे निकालने पड़ते हैं ना, हाथ में खारिज होती। कांपते तो नहीं है? कभी कभी। जिस हाँ उसका काम किया, बड़ी मेहनत की है। हाँ मेहनत की है। कांटे चुभ गए हैं या? ये देखिए ये छाले ये जो है गडर ये काट तो गया। ये भी मेरे वाला काम है इसका। हाँ। बहुत तकलीफ होती है। थोड़ी देर करके ना छालों को ना वो कट कर देना। नहीं नहीं कट नहीं, 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 नहीं। ऐसे जलन करता रहेगा फिर बिगड़ जाएगा। वो कट कर देगा जो जलन खत्म हो जाएगी। ये जो तुम साड़ कह रहे हो ये साड़ खत्म हो जाएगा। हाँ जी आदरा, कैसे आया वो बेटा? सब्जी आज क्या लेनी है? ओ मित्र साहब तो पूछ रहे हैं जो खाना चाहे। ओ हाँ जी तफीक खान। हाँ जी तैर खान। आज क्या जो शाद खान। हाँ जी उस्ताद जी क्या मूड है आज? हाँ ये बात भी ठीक है। तो ओके ओके ले आओ यार, कुछ जो भी चीज लेनी है ले आओ, दो मसला। ओके हो गया। ओके हो गया जी। और जल्दी जाओ और जल्दी आओ, ठीक है? ठीक है जी। मेरे भाई अब ये पहुंच चुके हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम साहब जी, क्या हाल है? क्या हाल है? तबीयत भी ठीक है? फिट फाट बिल्कुल। खैर जी? खैर जी। तो इसको ना बना दो और फिर ये नीचे बाहर लग जाते हैं ना। जल्दी बन जाएगा भाई। बस गैर नहीं बनाना, बस सेट करना है इसको। इसको कोरोना का टीका लगेगा? हाँ जी टीका फिर सेट पार्ट हो जाएगा। कोरोना का टीका लगेगा इसे? हाँ जी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सुनाए? और ठीक। इसको सेट करके फिर तो करना वरना बनाते हैं ना, फिर ये ओके हो जाएगा। सेट कराते हैं फिर जी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चाल है? शुक्र अल्लाह। तबीयत भी ठीक है? आप सुनाए ठीक ठाक? फिट फाट मसगून। मुर्गी किवें है? मुर्गी 600 रुपए। 600 रुपए पूरी?
500 जी बना दे। चलो ठीक है अभी बना दे। चलिए चलिए बना दे, वो टाइम इतना नहीं है, एमरजेंसी है। चलो ठीक है अभी बना दे। हाँ जी ठीक है जी बना दे। अभी जब मुर्गी लगते हैं फिर चलते हैं। ये गैस भी सेट कराया था तो इसको ओके हो गया है। अभी मुर्गी लगते हैं फिर चलते हैं घर। प्यारे भाई अभी जो गैस भी भरा के आ गए हैं तो मुर्गी भी ले के आ गए हैं। अभी चलते हैं घर देते हैं तो देख शेख के ना तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये देख के माशाल्लाह मुर्गी भी है और गैस भी है, भरा लिया है। अभी चलते हैं घर, फिर आपको दिखाते हैं।